हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएस रिव्यूज में। आज हम लोग रिव्यू करेंगे एनिमे सीरीज वन पीस को, तो चलिए शुरू करते हैं। '97 में शुरू हुआ एनिमे वन पीस आज भी चल रहा है और अगले 4-5 साल तक चलता रहेगा। इसकी पॉपुलैरिटी आप इसी से समझ सकते हैं कि इसकी मांगा की 320 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वन पीस की कहानी शुरू होती है जब गवर्नमेंट गोल्डी रॉजर, जो कि पायरेट्स का किंग है, उसे पकड़ लेती है और एग्जीक्यूट करने वाली होती है। लेकिन गवर्नमेंट के एग्जीक्यूट करने से जस्ट पहले गोल्डी रॉजर पूरी पब्लिक के सामने एक खजाने के बारे में बताता है जिसका नाम है वन पीस, और यहीं से पायरेट्स एरा की शुरुआत होती है। और जो भी पायरेट्स वन पीस को ढूंढ लेगा वो पायरेट्स का किंग बन जाएगा, और यही एंट्री होती है इस एनिमे के लीड कैरेक्टर की, जिसका नाम है मंकी डी लूफी। और आगे क्या क्या होता है, इसको वन पीस मिलेगा, डेविल फ्रूट्स क्या होते हैं और उनकी पावर्स क्या होती हैं, यही इस एनिमे सीरीज की कहानी है। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है कि ये एनिमे अभी खत्म नहीं हुआ है, यानी वन पीस कहाँ है और कौन इसको ढूंढ के लाएगा, ये बातें अभी रिवील नहीं हुई है। इसलिए अगर अभी तक आपने वन पीस देखना शुरू नहीं किया हो तो आप आज से शुरू कर सकते हो, अभी भी देर नहीं हुई है। और ये एनिमे सीरीज कितनी अच्छी है ये बात आप इससे समझ सकते हो, ये एनिमे 23 साल पहले शुरू हुआ था और अभी तक इसने अपनी हाइप और पॉपुलैरिटी बनाकर रखी है, जो कि किसी भी सीरीज के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। और वहीं हम बात करें इसके सबसे बड़े प्लस पॉइंट की, तो वो है इस सीरीज में किया गया कैरेक्टर्स का कैरेक्टर डेवलपमेंट, जो कि सीरीज की इतना पॉपुलर होने में सबसे बड़ी वजह है। हम हर कैरेक्टर को इतने अच्छे से जानने और समझने लगते हैं कि हर एक कैरेक्टर से एक अलग सा ही अटैचमेंट हो जाता है, जो कि किसी भी सीरीज के लिए सबसे अच्छी बात है। और अगर आप एनिमे के फैन हैं तो आप जानते ही होंगे कि इसका साउंडट्रैक कितना पॉपुलर और शानदार है। हाँ, कुछ लोग इस सीरीज के इतना लंबा होने के कारण इसको नहीं देखते, और उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि एक बार आप इस सीरीज के 100 एपिसोड कंप्लीट कर लीजिए, फिर आपको इस सीरीज का नशा हो जाएगा और फिर आप इसको बीच में चाहकर भी नहीं छोड़ पाओगे। और वही कुछ लोग कहते हैं कि उनको इसका एनिमेशन पसंद नहीं है, और उन लोगों के लिए भी मैं यही कहना चाहूंगा कि एक बार आप इसको देखना तो शुरू करिए, आपकी ये शिकायत भी दूर हो जाएगी। और अगर मैंने अभी तक आपको जो भी थोड़ी बहुत स्टोरी बताई है उसके कारण आप ये सोच रहे हो कि इसमें एक्शन ज्यादा नहीं होगा और ड्रामा ज्यादा होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप नारुतो या ड्रैगन बॉल जी जैसे एक्शन पैक्ड एनिमे के फैन हो तो आपको इसका भी एक्शन पसंद आएगा। मेरी तरफ से ये एनिमे पूरी तरीके से रिकमेंडेड है। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन या शिकायत करनी हो तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।